नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। दिव्यांगों ने फूका चीन के राष्ट्रपति का पुतला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के संबल जिले से, जहां सर्वहित कल्याण मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में दिव्यांगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका है। दिव्यांगों ने सदर कोतवाली के चंदौसी चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। इस मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम ने बताया कि एक तरफ पूरा संसार कोरोना का शिकार है और आज हमारे भारत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और पिछले दिनों हमारे 20 जवान भी चीन सीमा पर शहीद कर दिए गए। ऐसे में भारत सरकार से अपेक्षा है कि जल्द से जल्द इस आक्रमण का जवाब चीन को मय ब्याज के देगी। इस समय हमारा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और आर्थिक कठिनाइयां भी उभरती आ रही हैं। ऐसे में हमने चीन का कोई भी सामान इस्तेमाल न करने का प्रण किया है और समिति की ओर से लोगों को इस बाबत जागरूक करने का अभियान चलाया है। इस दौरान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम ने राष्ट्रपति के नाम लिखित एक ज्ञापन भी सदर कोतवाली में जाकर SDM श्री राजेश कुमार को सौंपा। मोहम्मद कासिम नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिव्यांग मोर्चा संबल राजशक्ति। अच्छा, ये जो आपने पुतला फूंका, ये किस उद्देश्य से फूंका? ये जो चीन ने जो हमला करा है भारत के ऊपर, जो 20 से ज़्यादा जवान हमारे ख़त्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसी के विषय में हमने इसका बहिष्कार करा है। और इसकी जो वस्तुएँ हैं, 80% जो वस्तुएँ हैं भारत के अंदर, उसका भी हम बहिष्कार करते हैं, उसे भी हम नहीं खरीदेंगे। और हम गांव-गांव जाके, शहर जाके, फोन से, जैसे भी सभी से मना करेंगे और कोई भी ये वस्तु नहीं खरीदे। और हमने आज माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है इसके विषय में कि हमारा चीन ब्याज समीर, जिससे हमारा जो भारत है वो चीन से ब्याज समीर के नाम में बदला ले। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।